अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी जो है ना मेरे पास एक हमारे घर में एक खातून आई हुई हैं, एक फ़ीमेल आई हुई हैं, वो बोल रही हैं कि मेरी फ़ैन है, वो स्पेशल मुझे मिलने आई हैं। तो सारे घर वाले खासकर मेरी बेगम बहुत परेशान है कि ये क्या सीन हो रहा है। अब मैं ख़ुद भी थोड़ा सा परेशान हूँ कि ये मतलब ये सच में ऐसा है, ये पता नहीं क्या मसला है। देखते हैं मज़ीद बातचीत करके। बहन आओ तो सब बाहर हो, इन्हों आ वो इन्हों एक मिनट। असल में घर वाले सारे परेशान इसलिए हैं क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है ना, तो आप ना आपने पहले कोई रब्ता किया ना बताया, आप आ गए हैं। हालात आजकल आपको पता है ठीक नहीं होते। खुद भी काफ़ी परेशान हो गया था जब आप आई हैं। मतलब आप थोड़ा सा बोलेंगी तो कुछ फिर हमारी जो परेशानी है वो ख़त्म होगी। हैं देखो मेरी बेगम साथ खड़ी है, वो पहले बहुत परेशान है, वो आपको देखकर बहुत परेशान है। ये आप क्या कह रही हैं, आप अपना फेस दिखा सकती हैं? मैं फेस आपका वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप हमारी तसल्ली के लिए तो हमें दिखा देना। चलो बेटा कोई बात नहीं, आप दिखा ही लो बस। मरो ये तो मेरे नाल प्रैंक थी। चल यार मैं कितना परेशान किया यार, सही तरीके से एक काला मैं इतना परेशान। सारी प्लानिंग तेरी है, वीओ चेक किया वे मोम के साथ मैंने प्रैंक किया था, मोम ने मेरे साथ प्रैंक कर दी। सुबह सुबह मैं अभी पिछला व्लॉग एडिट कर रहा था, मैं अपनी परेशानी में बैठा था, मुझे बोला कि पता नहीं लैया से कोई लड़की आई हुई है आपको मिलने, आपकी फैन है। मैंने गाड़ी स्पेशल स्टार्ट की, वो कह रही थी गाँव दिखाओ मुझे, गाँव दिखाने के लिए गाड़ी भी स्टार्ट की हुई थी। मोम तू बड़ी उस्तानी है मोमो, वाह यार तू दम शादी वाला आदि मैं तेरे करनी है तू। वो कितने तेरे को पता है तू रोम वाली क्यों थी खड़िया में? देख एक्टिंग चेक कर, बेगम ने काम चेक करो, रोमन पे गई हूँ। मैं कहा मैं शादी करनी है नर्स, वो रोमन ला गई। मैं इतना परेशान, मैं यार मसला क्या है पता नहीं। पता ही अच्छा, बाकी मैं आप व्यूअर्स वीआईपी आज चावल बनाए मोम ने घर में। मेरे साथ प्रैंक किया था ना, जिसको लड़की बनाया था उसके लिए असल में चावल मंगवाए थे। मुझे बोला है कि उसके लिए कुछ ना कुछ मंगवाते हैं, तो मैंने पैसे दिए थे कि जो मंगवाना है मंगवा लो। चावल मंगवाए थे, अब खुद खा रहा हूँ। वैसे साथ में आज बहुत बहुत हैवी सीन गया, मैं काफ़ी परेशान हो गया था मैं। यार आज तक कोई ऐसे लड़का मुझे मिलने नहीं आया, ये लड़की कैसे आ गई है? रात वाले व्लॉग में व्यूअर्स आपने देखा होगा, यूसुफ चौक वालों ने मुझे कहा था हमारे साथ कल दिन का मैच खिलवाना, पावलियों के साथ मैच बनाया हुआ है, पता नहीं कौन है पावली। लेकिन मैं जा रहा हूँ, हमारे मामू हैं जिनके खिलाफ अक्सर हम मैच खेलते रहते हैं, आज उनके साथ मिलकर मैंने मैच खिलवाना है, वो भी लैया। तो लैया जाना है, अपनी कोई बाइक नहीं खड़ी, पहले जाता हूँ अब्दुल्ला से बाइक लेता हूँ पंप पर, फिर उनको बता भी देता हूँ कि आज आपको मैच नहीं खिलवा पाऊंगा। बहरहाल वीआईपी प्रैंक आज किया है मेरे साथ, मतलब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि सच मुझ मेरे साथ ये प्रैंक हो रहा है। हाल भाई क्या हाल है? रात में तो आखा ही मैं हो सा, लेकिन हूँ मैं वद्दा ही हाँ, लेकिन पिया मैं बहना भाभी अब्दुल्ला को मैं मोटरसाइकिल गिना है।
मैच बने पहले तो थल ही है। अच्छा, मैच है ही कौन? गेरे कौन की ना मैं इतने लाज में खिलवा बने। अच्छा, मैच बने पहले तो थल ही है। रिंग के जाए वो रिंग में बंदे दिस। शादी का कार्ड है भी, और जिले देखो पहले मेरी खाजा ही है। एक दिमाग शादी गुजर गई है, लेकिन रिंग इस्तेमाल थी ना बंदे उन्हें यो सोच के बनवाए ना रिंग ही में ना कार्ड। और हाल भाई तेरा क्या ना है इजाज़? तू था ना सारे मैच थे, क्या करना रह गया मैच थे? मैच तो आए काम तो ही नहीं की रहा, तू पैसे सा कुड़े हजार रुपया। चलो ठीक है, गरीब नवाज होटल पर बैठ गया हूँ चाय पीने के लिए। मैच के लिए अभी मजीद आगे जाना है काफी, क्योंकि हमारी जो बाकी टीम है वो अभी तक पीछे खड़े हुए हैं। वो आएंगे तब तक मैं चाय पी लूंगा, फिर आगे निकल जाएंगे। एक कप चाय दारी भाई, एक कप मेहरबानी। चाय मेरी आ गई है, VIP लग्जरी चाय। बस पार्टी भी पीछे पहुँचने वाली है, फोन करके पूछ रहे हैं बार बार कितनी देर तक हम आए। मैंने उनको बोला मैं तो एडवांस आया बैठा हूँ। ग्राउंड पहुंच गए हैं, काफी दूर ले आए हैं आज तो हमें। चक नंबर 127, तकरीबन 45 मिनट का सफर था। सिरप छोटे बच्चे वास्ते शायद है ना कोई। उस गेम खेल कर मैं आ गया हूँ, हम तो गेम गए थे जीत, लेकिन दूर बहुत गए थे ना, मोबाइल की बैटरी का भी थोड़ा इशू होता है। और जिनको मैंने खिलवाना था दुनिया की बाहरतरीन टीम, ये भी जीत गए। जैगनो तुसा जीते हुए हूँ, टीम का क्या हाल हो सी? मैं तो ये समझ गया, पहले तो कुटी खड़ी है। अच्छा, देख लिया मुझे। हट मन, वोट होगा। आप चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ। सैरी करवाई थी किसी ने? नहीं। मुझे लगता है इसको सैरी किसी ने नहीं करवाई। बेगम एक गिलास, हाँ इन्हें घी नहीं, एक गिलास दूध दे दे। वाओ इतना बड़ा केक, इन्होंने मेरे ने जेड़ा खड़ो इन्होंने पानी है। हाशिर भांजे की बर्थडे थी, हाशिर ते इरा दोहिया थी, इन्होंने बर्थडे सेम नहीं मारे। अच्छा आप भी खाओगे केक? चल हाशिर पूछा, सॉरी जरूर पूछा। जाओ बिल्ली के साथ खेलो, जाओ। वे 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 जरूर। व्लॉग आज का मैं यहाँ पे एंड करने लगा हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और जो सुबह मेरे साथ प्रैंक हुआ है ना, वैसे जब आप लोगों ने वीडियो देखी होगी ना, शुरू में आपको भी ऐसे पता नहीं चला होगा कि ये सचमुच में कोई प्रैंक हो रहा है। इसी तरह मुझे भी बिल्कुल पता नहीं चला। खैर अभी बस दूध वगैरह पीता हूँ, उसके बाद मैं तो सो जाऊँगा। 9 हो गए हैं पूरे, व्लॉग यहाँ पे फिनिश। इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। कल तक बाय बाय, टेक केयर, टाटा बाय।